स्वयं सुखितिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृते धियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम्। नमस्कार सभी दर्शकों को राम राम। परेशानी जिंदगी में क्यों है और हम सब उस समस्या का निदान किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, जिंदगी को आनंदमय किस प्रकार से बना सकते हैं, उन तमाम सवालों के जवाब लेकर मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके समक्ष उपस्थित हूं। आज का कार्यक्रम गुड लक में जानेंगे आपके भविष्य फल में क्या लिखा है। कार्यक्रम आरंभ करते हैं और जानते हैं पंचांग के बारे में। आज शुक्रवार का दिन है, फागुन कृष्ण पक्ष की आज जो तिथि है वो है चतुर्दशी। देखिए आज खास तौर पे चतुर्दशी को शिवरात्रि होती है, परंतु चतुर्दशी का संयोग वो शिवरात्रि मानी जाती है जब त्रयोदशी और चतुर्दशी शाम को शुभ योग मिल जाए। तो कल हम सब ने आनंद के साथ शिवरात्रि का महापर्व मनाया, आज साथ साथ वैद्यनाथ जी की जयंती भी है और किस प्रकार से चतुर्दशी आपके जीवन में उत्थान के योग बना सकती है आपकी राशि के अनुसार से, वो सब हम आपको बताएंगे। बात कर लेते हैं इस वक्त नक्षत्र की। आज बेहद खास छत्विशा नक्षत्र विद्यमान है, सिद्ध राम का योग बना हुआ है और साथ साथ शुभ मुहूर्त भी नोट कर लीजिए। आज का शुभ मुहूर्त रहेगा 12:10 से लेकर 12:57 तक और राहुकाल जो है उसको भी नोट कर लीजिए, 1:59 से लेकर 3:27 तक राहुकाल विद्यमान रहेगा। मांबे करेंगे कल्याण। जीवन में कई बार ग्रह उथल पुथल मचा देते हैं और ग्रहों की चाल को समझकर हम अपने जीवन को कल्याण की तरफ ले जा सकते हैं ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से। और हर रोज हम आपको बताते हैं आपकी राशि के अनुसार से क्या कुछ होने वाला है आपके साथ। सबसे पहले नंबर है हर रोज की तरह मेष राशि वालों का। मेष राशि वालों, आज आपके जीवन में नए मित्र प्राप्त होते दिखाई दे रहे हैं, नए मित्र बन सकते हैं लोग, पुराने मित्रों से भी मिलाप अच्छा होता दिखाई दे रहा है, परंतु आज बिना वजह कोई परेशानी आपके जीवन में आपको परेशान कर सकती है, व्यर्थ में कुछ समय बर्बाद होने के योग दिखाई देते हैं। सुबह सुबह उपाय कर लीजिए, स्नान इत्यादि होकर पवित्र होकर चतुर्दशी का शुभ लाभ लेते हुए भगवान के मंदिर में जाएं, उन्हें सुगंधित पुष्प अर्पित करें, कहा गया है सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, फिर काहे को परेशान हो रहे हैं, छोटा सा उपाय करें कल्याण होगा। मांबे करेंगे कल्याण। कार्यक्रम आरंभ हो चुका है और एक व्हाट्सएप मैसेज तुरंत आ गया है नितिन कुमार जी का मनमाड़ से। उनकी परेशानी है जो उन्होंने लिख के भेजी है और उसके अनुसार से नितिन जी के जीवन में परेशानी खत्म होने का नाम ले ही नहीं रही, एक जाति करते हैं इसका निदान दूसरी सामने आ जाती है। आप अपने नाम के स्पेलिंग को लिखते हैं नितिन कुमार और जिसका शास्त्र के अनुसार यानी न्यूमरोलॉजी के अनुसार से 31 जोड़ बनता है और 31 जोड़ किसी प्रकार भी शुभ नहीं, अपने नाम को केवल नितिन यूज करने का प्रयास कीजिए, आपका नंबर हो जाएगा शुभ और आप जिस काम में भी हाथ डालेंगे विश्वास करिए कर्म करने के अनुसार ही आपको फल प्राप्त होगा। समस्या वहां होती है कि हम कर्म करे जा रहे हैं तो फल आ ही नहीं रहा है तो एंजाइटी बढ़ जाती है, तो एंजाइटी ना बढ़ाएं, थोड़ा सा नाम ठीक कर लीजिए, नितिन कुमार कीजिए, केवल नितिन कर लीजिए, सिग्नेचर खाली नितिन करने आपको और जहां भी आपका नाम हो तो नितिन जी नवीन कुछ उदय आपके जीवन में अवश्य होगा। मांबे करेंगे कल्याण। मकर राशि वालों का भाग्य जान लीजिए, आज परिश्रम का पूर्ण लाभ मिलता दिखाई दे रहा है, मान सम्मान में भी इजाफा होने के योग दिखाई देते हैं। आज स्वास्थ्य के मामले को लेकर थोड़ी चिंता बढ़ सकती है, देखिए कोविड गया नहीं है कहीं भी, हम सबको अपने जीवन को स्वस्थ रखने का शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम शास्त्र कहता है, इसलिए अपने शरीर का ध्यान रखें उसका उपाय करने के लिए। आज पुराने लोगों से परेशानी आपके जीवन में होती दिखाई दे रही है, मंदिर में जलेबी का भोग लगाएं कल्याण होगा। मांबे करेंगे कल्याण। मिथुन राशि वालों का भाग्य भी आप भी जान लीजिए, आज कोई पुराना मामला हल होता दिखाई दे रहा है, समझौता करने का योग अच्छा दिखाई देता है, परंतु जी हाँ कोई दुर्घटना आपको परेशान कर सकती है, इसलिए खासतौर पर सावधान रहते हुए काम करने का प्रयास करें, सावधान रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, हर चीज को सावधानी के साथ करने का प्रयास करें और दिव्य सहायता के लिए दूध का दान करिए कल्याण होगा। मांबे करेंगे कल्याण। राशियों में आगे बढ़ते हैं उससे पहले एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। कन्नौज से रामचंद्र जी का मैसेज आया है, देखिए नाम भी बड़ा शुभ है रामचंद्र जी, परंतु उन्होंने जो मैसेज लिखा है उसके अंदर लिखा है कि वो एक किसान है और उनकी फसल पिछले काफी समय से अच्छी नहीं हो पा रही है, कई उपाय किए परंतु लाभ नहीं प्राप्त हुआ। रामचंद्र जी आपकी जन्मपत्री हमने देखी और उसके अनुसार से द्वितीयेश जो है वो काफी कमजोर स्थिति में, द्वितीयेश जो होता है वो धन का स्वामी होता है, हम जो भी काम करते हैं उसका धनागमन ही तो मुख्य कारण है और यदि धनेश ही कमजोर हो जाएगा तो उसके कारण से आपको लाभ नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति से उबरने के लिए आपकी राशि को देखते हुए आपको भूमिपुत्र मंगल का खासतौर पर उपाय करने का प्रयास करना चाहिए और नियमित रूप से हर मंगलवार के दिन लाल रंग की वस्तुओं का दान करना चाहिए और मंगल के मंत्र का जप करना चाहिए, ओम क्रांग क्रीं क्रोंग सह भौमाय नमः। साथ साथ एक काम और करें, इसी मंत्र का जितना जप करें उसका दशांश यज्ञ कर लीजिए और उसकी भस्म लेकर अपने माथे पर लगा लिया कीजिए, धीरे धीरे आपको जीवन में लाभ प्राप्त होना शुरू होगा। मांबे करेंगे कल्याण। कर्क राशि वालों का भाग्य बताता है कि आज राज्य से लाभ होने के योग दिखाई देते हैं, सरकारी कामों में सफलता और लाभ प्राप्ति के संकेत मिल रहे हैं, आज आपकी मेहनत रंग लाती दिखाई दे रही है, परंतु
क्रोध पर काबू रखने की जरूरत दिखाई देती है। क्रोध पर काबू रखें, कल्याण होगा। लाल रंग के वस्त्र मत पहनिएगा, आपके लिए शुभ नहीं है। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं व्हाट्सएप मैसेज की तरफ। मां अम्बे करेंगी कल्याण, संगीता जी का पहले मैसेज पढ़ लेते हैं। और उन्होंने बड़ा अच्छा मैसेज लिख के भेजा है और ये मैसेज ऐसा है कि ये हर व्यक्ति के लाभ के लिए है। उन्होंने प्रश्न किया है कि घर के उत्तर पूर्व कॉर्नर में अलमारी रखी है, क्या वो सही है? देखिए संगीता जी, वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार से उत्तर पूर्व यानी ईशान जो क्षेत्र माना जाता है वो केवल सकारात्मक काम के लिए काम आता है और बहुत पॉजिटिव एनर्जी उधर तरफ से आती है। यदि कोई भारी चीज रख देंगे तो वो एनर्जी जो आपके घर में प्रवेश, पॉजिटिव एनर्जी, एनर्जी भी नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव एनर्जी उधर से प्रवेश करती है। तो इसलिए शास्त्र के अनुसार से उस क्षेत्र को पूजा का स्थल माना जाता है, यानी जब हम प्रार्थना करें, पूजा करें वहां बैठ के, तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी और एनहांस हो। तो इसलिए खासतौर पर उस अलमारी जो रखी है उसको वहां हटा दें तो अच्छा रहेगा। यानी आप साउथ की तरफ रख दीजिए अलमारी, वो आपके लिए कल्याणकारी रहेगी, ऐसा कुछ ऊपर है। खासतौर पर एक बात और ध्यान रखनी चाहिए, वहां डस्टबिन जैसा कोई भारी कोई सामान भी नहीं रखना चाहिए। इसलिए खासतौर पर ईशान की जो कोण है अपने घर में खासतौर पर, वो केवल पूजा के लिए रखें, खाली रखें, एनर्जी सीधी आपके अंदर प्रवेश करे और घर में शुभत्व का उदय हो। साथ साथ यदि कोई नहीं रास्ता बन रहा है तो उसका भी उपाय बता देता हूँ। कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि रास्ता बन ही नहीं सकता और कोई जगह ही नहीं रखने की, तो चिंता मत करिए। ज्योतिष विज्ञान के अंदर हर चीज का रास्ता है। एक तुलसी का पेड़ उस क्षेत्र में लगा दीजिए, आपकी नेगेटिविटी जो है वो दूर होगी, जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते प्राप्त होंगे। मां अम्बे करेंगी कल्याण, सिंह राशि वालों के भाग्य के संबंध में जान लेते हैं। चाल ग्रहों की क्या कहती है? आज हिम्मत थोड़ी कम रहती दिखाई दे रही है, साहस करने को मन नहीं कर सकता है, सेहत परेशान कर सकती है, नींद में बोलने की समस्या भी हो सकती है। इसलिए तामसिक आहारों को आज त्याग दीजिए, उनसे दूरी बनाए रखें और भगवान सूर्य की आराधना करें, जीवन में कल्याण के अद्भुत योग बनेंगे। मां अम्बे करेंगी कल्याण, जीवन में कैसे होगा कल्याण? देखिए इस सबके रहस्य है किस्मत के पास। फरीदाबाद से एक व्हाट्सएप मैसेज आ गया है प्रताप जी का और उन्होंने एक बड़ा सुंदर मैसेज लिख के भेजा है। उन्होंने कहा है कि अपने शौक और जुनून को व्यवसाय में बदलना चाहते हैं, क्या वो लाभ प्राप्त कर पाएंगे, क्यों चिंता करते हैं? और आपने जो लिखा है कि आपने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है और वो क्या वो आगे जाकर आपका शौक है, हॉबी जो है वो बहुत बढ़िया लाभ हो सकता है या नहीं हो सकता? देखिए हमने आपके जन्मपत्री को भी देखा जो आपने कहा, उसके निमित्त एक उपाय बताया है, गले में चांदी की चेन डालें और खासतौर पर गुरुवार के दिन पीले जो चावल होते हैं उनको खासतौर पर बांटा भी कीजिए, भोग भी लाया कीजिए और उनका भक्षण किया कीजिए। देखिए आपका बृहस्पति थोड़ा कमजोर है, उसको ठीक करने के लिए ये अद्भुत उपाय है। साथ साथ एक पुखराज रत्न बहुत अच्छी क्वालिटी का, जिसमें कोई ज्वाला इत्यादि ना हो, वो धारण कर लीजिए या ओम ग्रांग ग्रीं ग्रोंग से गुरुवे नमः इस मंत्र का जप कर लीजिए। जितने धार्मिक रहेंगे, समझ लीजिए आपकी कुंडली के रहस्य है, आपकी कुंडली में राहु जिस प्रकार का योग बना रहा है धर्म भाव में बैठकर, साफ साफ कह रहा है कि जितने धार्मिक रहोगे, सत्यवादी रहोगे, उतने आगे आपका ग्राफ बढ़ेगा। तो इसलिए यह है चाबी, मैंने आपको दे दी, लगा लीजिए, कल्याण आपके हाथ में है। मां अम्बे करेंगी कल्याण, कन्या राशि वालों का भाग्य मान लेते हैं कि आपके जीवन में आज कोई शुभ कार्य आपके हाथों से होता दिखाई दे रहा है, धन खर्च थोड़ा अधिक हो सकता है, आज मित्र आपका नुकसान करा सकते हैं, शत्रु परेशान करते दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सावधान रहने का प्रयास करें और खासतौर पर धारदार चीजों से बचने का प्रयास कीजिएगा, वो आपका थोड़ा सा नुकसान कर सकती है। मां अम्बे करेंगी कल्याण, एक व्हाट्सएप मैसेज आया है और मुरादाबाद से रवि जी का, और उन्होंने लिखा है सपनों के बारे में। उन्होंने लिखा कि दीपक जलाते हुए, दीपक लगाते हुए उन्होंने देखा, बहुत शुभ है, चिंता ना कीजिए। दीपक लगाते हुए जलाते हुए देखना शुभ का संकेत है, उससे जीवन में कुछ नया हो सकता है, नया रोजगार, नया अवसर आपके जीवन में आता दिखाई दे रहा है, चिंता मत कीजिए। साथ साथ भगवती महालक्ष्मी की आराधना कर लीजिए, शुक्रवार का अवसर है, जीवन में कल्याण के अद्भुत योग बनेंगे, मखानों की एक माला बनाकर भगवान भगवती को डालें, कल्याण होगा। कुरुक्षेत्र से आलोक जी का एक और व्हाट्सएप मैसेज आया है और उन्होंने सपने में देखी कैंची। कैंची दिखना किसी प्रकार भी शुभ नहीं है और ये दिखाता है कि आपके जीवन में कुछ अशुभ हो सकता है, घरेलू कलह इत्यादि का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए खासतौर पर सावधान होते हुए जीवन में चलाने का प्रयास कीजिए। एक उपाय करना चाहिए आपको, एक मंत्र है ओम क्रांग क्रीं क्रोंग से भौमाय नमः, ये मंगल का मंत्र है। कलह इत्यादि जब होने वाले होते हैं तो उससे पहले इस मंत्र का, मैं तो कह रहा हूँ, नित्य प्रति जप कर लिया कीजिए, कलह दुर्घटना इन सब से आपके जीवन में दूर मिल जाएगा। और खासतौर पर इसी मंत्र से कुछ देर यज्ञ भी करना चाहिए। देखिए भारतीय संस्कृति यज्ञ प्रधान संस्कृति है, शास्त्र कहता है यज्ञो वैशिष्टतम कर्म, यानी संसार में यज्ञ ही सबसे श्रेष्ठ कर्म है। उससे फल क्या प्राप्त होता है? भस्म। और उसको धारण कर लेने से तमाम यानी आपके दुस्वप्न जो है उन सब का फल भी निष्फल हो जाता है। तो इसका यज्ञ भस्म धारण किया कीजिए, कल्याण होगा।
मांबे करेंगे कल्याण। तुला राशि वालों का भाग्य देखते हैं क्या कहता है। तुला राशि वालों, आपकी राशि बताती है आज यात्रा के योग हैं, परंतु जल से कष्ट दिखाई देता है, इसलिए खराब जल से दूर रहने का प्रयास कीजिएगा, बाहर का पानी मत पीजिएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है, अध्ययन के क्षेत्र में लाभ मिलेगा, शांत रहेंगे तो परेशानी भी दूर कर पाएंगे। यही उपाय है, शांत रहिए, जीवन में कल्याण का योग बनाइए। एक और व्हाट्सएप मैसेज आ गया है गिरीश जी का, और उन्होंने अपनी परेशानी लिखकर भेजी है, हम पढ़ते हैं। और गहरी सांस और लेने छोड़ने में उनको खास तौर पे उनको परेशानी होती है, यानी फेफड़ों की क्षमता जो है घट गई है। देखिए, आपके फेफड़े जो है वो आपकी एनर्जी का मुख्य स्रोत है, आपको अपनी सांस लेकर रोकने की आदत डालनी। गुब्बारा फुलाते हैं तो कैसे शक्ति बनती है, और जितनी आपकी फेफड़ों की शक्ति कम होती चली जाएगी उतना जीवन में परेशानी होती चली जाएगी। देखिए, आपको योग करना होगा, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो विश्व में पूरे घर घर में योग पहुंचा दिया है। तो हम आपको एक आसन बता रहे हैं, देखिए भुजंगासन। सांस भरते हुए लेट जाए और फिर छाती और हाथ के पंजों, पैरों के पंजों के बल पूरा शरीर ऊपर उठा दीजिए, इससे छाती को बल प्राप्त होगा, प्राण शक्ति आपके अंदर अद्भुत पड़ेगी, और साथ साथ सांस को रोकने की आदत डालें। इस आसन को करते हुए आपको सांस को रोकना है। देखिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी किस प्रकार से आपको करके दिखा रहे हैं इस ऐप के माध्यम से। इस ऐप को अपने फोन पे डाउनलोड कर लीजिए और देखिएगा बड़े सुंदर तरीके से इन आसनों को लाभ किस प्रकार से आपको प्राप्त होगा, ये सब बताया गया है। और आप इन आसनों को करेंगे तो जीवन में कल्याण के योग बनाएंगे। योग अपनाइए और रोग को भगाइए। मांबे करेंगे कल्याण। वृश्चिक राशि वालों का भाग्य बता रहा है कि आज बुद्धि का साथ मिलता दिखाई दे रहा है, रुके हुए कार्य गति पकड़ सकते हैं, और साथ साथ किसी राजनीतिक व्यक्ति से राजनीतिक क्षेत्र में लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। पुराना कर्ज थोड़ा परेशान कर सकता है, प्रभु के नाम का सहारा लें, और साथ साथ आज अच्छा ही होगा कि खट्टे फलों का दान करें, कल्याण होगा। हर रोज हम लेके आते हैं आपके लिए हेल्दी ड्रिंक्स का एक सेक्शन, हमने हेल्दी टिप्स के अंदर हेल्दी ड्रिंक्स का आजकल जोड़ दिया, क्योंकि गर्मी आरंभ हो गई है, पानी तो पीना ही है, और एनर्जी ड्रिंक्स के रूप में जो इंडियन एनर्जी ड्रिंक्स हैं उनको पीने का प्रयास करें। देखिए डाब, देखा आपने नारियल का पानी, बड़ा सुंदर होता है, और उसको पीने से अद्भुत रूप से लाभ प्राप्त होता है, थायराइड दूर हो जाता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाता है, पानी इतना सुंदर मीठा होता है कि आपको पानी की गले की प्यास बुझ जाती है, तरावट देती है, शुगर में भी कोई नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं करता। लो कैलोरी ड्रिंक है, एनर्जी ड्रिंक है, खासतौर पर इसके अंदर एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, अम्यूनो एसिड्स हैं, और बहुत बी कम्प्लेक्स इत्यादि विटामिन मिनरल्स इत्यादि भरपूर मात्रा में है। ये कहाँ होता है, समुद्र के आसपास। तो नेचुरल वे में जो थायराइड इत्यादि के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर आयोडीन की जो कमी होती है उसको भी ठीक करने में, थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करने में बहुत अद्भुत रूप से लाभ देता है। तो इसलिए ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करने में भी इसका बहुत अद्भुत योगदान है, वजन भी घटा सकता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों से लाभ चाहते हैं तो इसका सेवन करें, कल्याण होगा, आपके जीवन में नया उदय होगा। मांबे करेंगे कल्याण। धनु राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं, आज धर्म में रुचि रहेगी, संत महात्माओं का आशीर्वाद प्राप्त होने के योग भी दिखाई देते हैं आपकी राशि के अनुसार से। आज घर में शांति और सुख व्याप्त होने के योग भी बन सकते हैं, परिवार में सुखमय वातावरण रहेगा, संतों की सेवा करें मेवा प्राप्त होगा, जीवन में कल्याण के योग बनेंगे। मांबे करेंगे कल्याण। देखिए जीवन बड़ा विचित्र है, पता नहीं कब कौन सी परेशानी कहां से जीवन में आ जाए, और उन सब का निदान परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त होता है। बरेली से एक व्हाट्सएप मैसेज आया दीपक जी का, दीपक जी ने लिखा है कि उनके बेटे के बारे में वो जानना चाहते हैं, आजकल वो बुरी संगत में फंस गया है, और ना चाहकर भी वो बुरी संगत लगातार उनके पीछे पड़ी हुई है और उससे वो निकल नहीं पा रहे हैं। देखिए दीपक जी, उम्र में एक ऐसा दौर आता है कि जिसमें बच्चों को कई बार गलत राह पर जाते चले जाते हैं बच्चे, और उनको खासतौर पर माता पिता का मार्गदर्शन, अच्छे मित्रों का मार्गदर्शन चाहिए होता है, परमात्मा की कृपा चाहिए होती है, और उन सबका साथ यदि मिल जाए तो जीवन में कल्याण हो जाता है, नहीं तो कष्टमय जीवन हो जाता है। हमने आपकी जन्मपत्री देखी, बेटे की जन्मपत्री, मंगल बहुत कमजोर है, कर्क राशि का होकर बैठा हुआ है, जिसके कारण से जब मंगल ऐसा होता है तो डिप्रेशन में गलत रास्ते में जाने के बहुत ज़्यादा योग बनते हैं। इसलिए जन्मपत्री को पहले ही एनालाइज करा लेना चाहिए बच्चों की, और किसी व्यक्ति जिसे पहले पता चल जाए कि कैसे कैसे योग है उसका निदान करें, चिंता मत कीजिए। हनुमान जी का सिद्ध किया हुआ एक लॉकेट बच्चे को पहनाए हो सके तो, और खास तौर पे हनुमान जी उसकी रक्षा करेंगे, और साथ साथ हनुमान जी के मंत्र से यज्ञ करवाएं, और उसकी जो भस्म है उसके चुपचाप माथे पर रात को जब सो जाए तब लगा दिया कीजिए, जब भी आपके सामने आए तब उसको प्यार से लगाने का प्रयास कीजिए, देखिएगा धीरे धीरे कोई रास्ता प्राप्त होगा। और एक उसके साथ साथ यज्ञ की जो भस्म है वो औषधि के रूप में भी काम करती है, उसको एक छोटे से मात्र में आप उसको हल्के से भोजन में डाल दीजिएगा, देखिएगा धीरे धीरे कल्याण के योग बनेंगे। मांबे करेंगे कल्याण। मकर राशि वालों का भाग्य बताते हैं कि आज नौकरी में लाभ मिलने के योग दिखाई देते, संपत्ति का थोड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए संपत्ति के खासतौर पर ध्यान रखने का प्रयास करें। बड़े लोगों से अनबन होती दिखाई दे रही है, और आज आप थोड़ा गुस्सा कर सकते हैं, नमक का दान करें, नमक का सेवन कम करें, कल्याण होगा।
कुंभ और मीन राशि के बारे में बात करेंगे, उससे पहले बात कर लेते हैं एक और व्हाट्सएप मैसेज की। शिमला से तुषार जी का व्हाट्सएप मैसेज आया है और हवाई यात्रा करते वक्त उन्होंने बड़ी अजीब बात लिखी है। ये बहुत सारे लोगों के साथ समस्या होती है और हम उसका दिव्य समाधान देने जा रहे हैं। हवाई यात्रा करते हैं ना, तो जब जैसे ही हवाई जहाज ऊपर उड़ता है तो कान पे एक अजीब किस्म का प्रेशर लगता है। क्या कारण है? देखिए, आप ईथर में जाते हैं तो ईथर आपके जो आकाश तत्व है आपके शरीर में बढ़ जाता है और उसकी वजह से कान पे एक अजीब किस्म का प्रेशर होता है जब तक आप उसमें एनवायरमेंट में हैबिचुअल नहीं हो जाते। तो ये शून्य मुद्रा है। आप ये शून्य मुद्रा सबसे बड़ी उंगली को अंगूठे के बेस पर लगाकर ये आकाश तत्व को सम करने की स्थिति है, इसको शून्य मुद्रा बोला जाता है। अद्भुत रूप से लाभ प्राप्त होगा। कानों में कैसी भी आवाज आए, टन टन, यानी कोई अलग तरह की टिंटिंग साउंड आने लगी है, कुछ भी होने लगा है, उसमें ये मुद्रा अद्भुत रूप से लाभ देगी। करिए, जीवन में कल्याण के योग बनाएं। ये मुद्राएं हैं चमत्कारी, हम आपको इस समक्ष हर रोज बताते हैं और आपकी समस्याओं के अनुसार से उसका निदान देते हैं। बात कर लेते हैं एक अगली राशि के बारे में। कुंभ राशि वालों का भाग्य बताता है कि आज अधिकारों में वृद्धि होती दिखाई दे रही, सम्मान प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं, परंतु मन थोड़ा चंचल रहेगा। जीवन साथी का भाग्य लाभ देता दिखाई दे रहा है। बर्तनों का दान कीजिए, कल्याण होगा। माम में करेंगे कल्याण। मीन राशि वालों का भाग्य बताता है कि आज कार्यों में कुछ ना कुछ अड़चनें आती दिखाई दे रही हैं। कार्य पूरी तरह से जैसे आप चाहते हैं वैसे पूरे नहीं हो पाएंगे, उसके लिए प्रयास अधिक करना पड़ेगा। क्रोध को शांत करने का प्रयास करें, शांत रहेंगे तो अच्छा होगा। साथ साथ कुत्तों को, श्वानों को रोटी डालने का प्रयास करें या घर में बिस्कुट पड़े हों या अपने साथ गाड़ी में रख लीजिए, जहां दिखाई दे जाए एक आध दो बिस्कुट डाल दीजिए, देखिएगा दिव्य कृपा से लाभ प्राप्त होगा। तो अब समय आपसे विदा लेने का, कल फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। कल शनिचरी अमावस्या है, फागुन मास की अमावस्या वो भी शनिवार को पड़ रही है। कैसे कौन से उपाय आपके जीवन में पितरों को प्रसन्न कर देंगे और आपके जीवन में आनंद आच्छादित कर देंगे, वो सारे रहस्य कल इसी समय पर जी हिंदुस्तान पर लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ओम भृगुराजाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो शुक्रः प्रचोदयात्।